यशायाह अध्याय 19। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 19। मिस्र के विषय में भारी भविष्यवाणी। देखो, यहोवा शीघ्र उड़ने वाले बादल पर सवार होकर मिस्र में आ रहा है, और मिस्र की मूर्तें उसके आने से थरथरा उठेंगी, और मिस्रियों का हृदय पानी पानी हो जाएगा, और मैं मिस्रियों को एक दूसरे के विरुद्ध उभारूंगा। वे आपस में प्रत्येक अपने भाई से और प्रत्येक अपने पड़ोसी से लड़ेगा, नगर नगर में और राज्य राज्य में युद्ध छिड़ेंगे, और मिस्रियों की बुद्धि मारी जाएगी, और मैं उनकी युक्तियों को व्यर्थ कर दूंगा, और वे अपनी मूर्तों के पास और ओझों और फुसफुसाने वालों ले टोहनों के पास जाकर उनसे पूछेंगे, परंतु मैं मिस्रियों को एक कठोर स्वामी के हाथ में कर दूंगा, और क्रूर राजा उन पर प्रभुता करेगा। प्रभु सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। और समुद्र का जल सूख जाएगा, और महानदी सूख कर खाली हो जाएगी, और नाले बसाने लगेंगे, और मिस्र की नहरें भी सूख जाएगी, और नरकट और हुगले कुम्हला जाएंगे। नील नदी के तीर पर के कछार की घास और नील नदी के पास जो कुछ बोया जाएगा वह सूख कर नष्ट हो जाएगा, और उसका पता तक न लगेगा। तब मछुए विलाप करेंगे, और जितने नील नदी में बंसी डालते हैं वह लंबी लंबी सांसें लेंगे, और जो जल के ऊपर जाल फेंकते हैं वे निर्बल हो जाएंगे। फिर जो लोग धुने हुए सन से काम करते हैं और जो सूत से बुनते हैं उनकी आशा टूट जाएगी। हाँ, मिस्र के रईस तो निराश और उसके सब मजदूर उदास हो जाएंगे। निश्चय सोअन के सब हकीम मूर्ख है, और फिरौन के बुद्धिमान मंत्रियों की युक्ति पशु किसी ठहरी। फिर तुम फिरौन से कैसे कह सकते हो कि मैं बुद्धिमानों का पुत्र और प्राचीन राजाओं की संतान हूँ? अब मेरे बुद्धिमान कहाँ? सेनाओं के परमेश्वर यहोवा ने मिस्र के विषय जो युक्ति की है उसको वे तुझे बताए, यदि वे जानते हो। सोअन के हकीम मूढ़ बन गए हैं, नोप के हकीमों ने धोखा खाया है, और जिन पर मिस्र के गोत्रों के प्रधान लोगों का भरोसा था उन्होंने मिस्र को भरमा दिया है। यहोवा ने उससे भ्रमता उत्पन्न की है। उन्होंने मिस्र को उसके सारे कामों में वमन करते हुए मतवाले की नाएं डगमगा दिया है, और मिस्र के लिए कोई ऐसा काम न रहेगा जो सिर व पूंछ से अथवा प्रधान व साधारण से हो सके। उस समय मिस्री स्त्रियों के समान हो जाएंगे, और सेनाओं का यहोवा जो अपना हाथ उन पर बढ़ाएगा उसके डर के मारे वे थरथराएंगे और कांप उठेंगे, और यहूदा का देश मिस्र के लिए यहां तक भय का कारण होगा कि जो कोई उसकी चर्चा सुनेगा वह थरथरा उठेगा। सेनाओं के यहोवा की उस युक्ति का यही फल होगा जो वह मिस्र के विरुद्ध करता है। उस समय मिस्र देश के 5 नगर होंगे जिनके लोग कनान की भाषा बोलेंगे और यहोवा की शपथ खाएंगे। उनमें से एक का नाम नाश नगर रखा जाएगा। उस समय मिस्र देश के बीच में यहोवा के लिए एक वेदी होगी, और उसके सिवान के पास यहोवा के लिए एक खंभा खड़ा होगा, और यह मिस्र देश में सेनाओं के यहोवा के लिए चिन्ह और साक्षी ठहरेगा। और जब वे अंधेर करने वाले के कारण यहोवा की दुहाई देंगे तब वह उनके पास एक उद्धारकर्ता और रक्षक भेजेगा, और वह उन्हें मुक्त करेगा। तब यहोवा अपने आप को मिस्रियों पर प्रकट करेगा, और यहोवा को मिस्री उस समय पहचानेंगे और मेलबलि और अन्नबलि चढ़ाकर उसकी उपासना करेंगे, और यहोवा के लिए मन्नत मानकर पूरी भी करेंगे, और यहोवा मिस्रियों को मारेगा, वह मारेगा और चंगा भी करेगा, और वे यहोवा की ओर फिरेंगे, और वह उनकी विनती सुनकर उनको चंगा करेगा। उस समय मिस्र से अश्शूर जाने का एक राजमार्ग होगा, और अश्शूरी मिस्र में आएंगे, और मिस्री लोग अश्शूर को जाएंगे, और मिस्री अश्शूरियों के संग मिलकर आराधना करेंगे। उस समय इस्राएल, मिस्र और अश्शूर
तीनों मिलकर पृथ्वी के मध्य में आशीष का कारण होंगे, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यह कह रहा कहकर उन तीनों को आशीष देगा कि धन्य हो मेरी प्रजा मिस्र और मेरा रचा हुआ अश्शूर और मेरा निज भाग इसराइल।